की बैटिंग तो कसम मार गया, कोई इससे छक्का तो लगता ही नहीं है, कसम मार गया हार्दिक पांड्या की बैटिंग। बॉलिंग तो वो कोई रोहित शर्मा और जो है वो अजीत अगरकर ने बोला है कि भाई चार ओवर करोगे तेरी बॉलिंग देखेंगे तो तेरी वर्ल्ड कप की सिलेक्शन करेंगे, तू पक्की चॉइस नहीं है अभी तक, ठीक है कुछ करेगा तो लेके जाएंगे वरना भजा देंगे तुझे तेरी पकड़ के, ठीक है तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहना, ये ना होगा तेरा बाजा बाजे, ठीक है। उसके बाद भाईजन टीम डेविड ने 7/14 रन किए हैं, मुंबई इंडियंस ने 192 किए हैं, 192 ठीक है जबरदस्त रन है। उसके बाद भाई बॉलिंग अगर मैं बात करूं तो हर्षल पटेल ने 3 विकेट लिए हैं, सैम करोल ने 2 लिए हैं, रबाडा ने 1 लिया है। अब आता है पंजाब पे, पंजाब के 14 पे 4 आउट थे जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने रॉयली रूसो को आउट किया, जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने सैम करोल को आउट किया पीछे जब कीपर ने पकड़ा है, 14 पे 4 आउट थे जी कोटसी, और बुमराह ने पहली 2-2 विकेटें उड़ा ली थी, जबरदस्त बॉलिंग की थी जसप्रीत बुमराह ने, जो नया नई बॉल उसने डाली है मतलब उसकी बॉल नजर ही नहीं थी आ रही। राइली रूसो तो भाई आया और गया, ये राइली रूसो हमारे पीएसएल का प्लैटिनम प्लेयर है, क्विटा ग्लैडिएटर्स का कप्तान है, पीएसएल में इसको बड़ा अब्बू माना जाता है, पीएसएल में इसको अब्बू माना जाता है। बुमराह ने पकड़ के भजा दिया उसको उधर ही, तो बेटा इधर साइड पे हो जाए, ये पीएसएल की गेम नहीं है, ये आईपीएल इधर अच्छी क्रिकेट खेली जाती है। अब घंटे के पाकिस्तानी फैंस और छोनू पीली चप्पल जो कहते हो आईपीएल फिक्स्ड होता है, अगर आईपीएल फिक्स्ड होता है तो तेरे अब्बू राइली रूसो ने फिर आज रन क्यों नहीं किए, तो पीएसएल का प्लेयर है करता फिर रन, कहती हो ना मोहम्मद रिजवान बुल्लर कहता है ना लिपस्टिक मौलवी, पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है, आईपीएल में बॉलिंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, अगर अच्छा नहीं है बॉलिंग स्टैंडर्ड तो राइली रूसो मारे फिर बुमराह को, आउट क्यों हो रहा है, सिकंदर रजा को क्यों बाहर कर दिया हुआ है, क्यों नहीं पीएसएल का जितने भी प्लेयर है वो सारे बेंच पे बैठे हुए हैं, क्यों, क्योंकि भाई सबको पता है कि ये पीएसएल में चलते हैं, पिंडी की पिच्छू पे चलते हैं, आईपीएल में इनकी बच जाती है, खुल जाती है आगे, ठीक है सही है। उसके बाद भाई इन्होंने कुछ किया नहीं, 2 लोगों की बात करूंगा सिर्फ मैं, शशांक सिंह और आतुशोष शर्मा, जबरदस्त बैटिंग किया दोनों ने, देखो इन दोनों ने पंजाब की इज्जत बचाई है, अगर पंजाब मैच को बड़ी करीब ले आया था, इतना करीब ही नहीं था ले आया, लेकिन अगर थोड़ा सा मैच पंजाब ने कोई 150 के आसपास आगे चले गए, ये इसी वजह से गए हैं। Hey everyone, welcome back to our channel, the home of the most thrilling cricket action on YouTube. If you are new here, hit that subscribe button and join our community of cricket enthusiasts. And if you are already part of our family, remember to smash that like button to show your support. Now, in today's video, we are breaking down the incredible performance by Ashutosh Sharma in IPL 2024. His batting was nothing short of legendary, and we have got all the highlights coming up. Here is Ashutosh Sharma stepping up to that crease. The pressure is on, but you can see it in his eyes. He is ready. And there it goes. A massive 6 over deep mid wicket. The crowd goes wild and so do we. Can you believe that shot? Let us know in the comment what you think about Ashutosh Sharma's form in this season. And don't forget to share the video with your friends who love cricket as much as you do. We are on a mission to hit 50,000 subscribers and we can only do that with your help. Share this video and let's get there together. Looking at the stats, Ashutosh's strike rate has been off the charts. Here's a quick look at his numbers this season. Impressive, right? If you want to see more in-depth analysis and exclusive content, feel free to leave a comment in the comments below. Now let's take a quick detour to see our friends across the borders are reacting to Ashutosh Sharma's phenomenal performance. आप जसप्रीत बुमराह को छक्का मार रहे हो, आप जसप्रीत बुमराह को छक्का मार रहे हो, एक आपका लोकल प्लेयर जसप्रीत बुमराह को छक्का मार रहा है, तो जिस तरह उसने छक्का मारा है या जितना तेज उसने वो मारा है, इधर से पता चलता है कि कितना ज्यादा टैलेंट है इस टाइम इंडिया में, कितना जबरदस्त टैलेंट है, और ऐसा ऐसा टैलेंट निकल के आ रहा है बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि जब 49 में 5 आउट हो गए हैं, बुमराह के 2 ओवर तूने कहीं और लेने हैं, और कोटसिया के ओवर तूने क्या कर रहे हैं, तुझे ये जो होते ना इसका फिर लोग मीम्स बनाते हैं और फिर इसका मजाक उड़ाते हैं, भाई बुमराह को लगाता शशांक आशुतोष मैच ओवर, वो बुमराह को लगाने की देर होती है विकेट आ जाती है, बुमराह के आने की देर होती है विकेट खुद ब खुद उड़ के आ जाती है, तो भाई बहुत गलती किया, लेकिन हैट्स ऑफ टू पंजाब, डिस्पाइट लूजिंग 5 विकेट्स एट 49 दे केप्ट ऑन फाइटिंग, चाहे वो 2 बंदों ने ही फाइट किया, सवा 2 ने कर ले कि थोड़ा सा ब्रार ने भी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन आशुतोष देखे इंडियंस कितने फॉर्चुनेट है कि ये जिस तरह मधवाल को इसने रिजवान साहब जो छक्का मारा है, इसने स्काई स्क्वीज सबको फारिग कर दिया, इतना खौफनाक छक्का
चले मारा, हालांकि छक्का बुमराह को भी बड़ी खौफनाक मारा कि यूं हटके मारना चाहे नो बॉल है भाई, छह तो छह होता है, अब नो बॉल है या व्हाइट बॉल है या हरी बॉल है, बहुत ही खौफनाक बैट्समैन है यशुतोष। He has the license to kill, no holds bar, no fear, और सबसे बड़ी बात है उसके जूते का परवाह नहीं है कि बॉलर कौन है सामने। आप यकीन करें इतना फियरलेस मैन, मुंबई इंडियंस, नो डाउट मुंबई इंडियंस के बाद बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। अगर मैं आपको बताऊं, रोहित शर्मा ने जिस तरह जबरदस्त बैटिंग की है, 25 बॉलों पर 36 रन स्कोर किए हैं, 144 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के मारे हैं रोहित शर्मा ने, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। उसके बाद सूर्या कुमार यादव, सूर कुमार यादव मिस्टर 360, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इस टाइम, अगर करंट मेहरा में देखूं T20 का, इससे बेहतर T20 का प्लेयर इस टाइम पूरे वर्ल्ड में नहीं है, जो इनिंग को एंकर भी करता है, जो अगर मारने पे आ जाए तो पकड़ के जो है वो घंटा बजा देता अगली टीम का। आज इसने बजाया, आज इसने प्रॉपर डबल्स बैटिंग की, 147 के स्ट्राइक रेट से खेला, 3 छक्के 7 चौके, 53 बॉलों पे 78 रन। कुछ ना पंजाब की किस किस बात पर रोए, अनफॉर्चुनेटली मतलब जैसी मैनेजमेंट है, आज भी आप देखो दो आपके स्टार प्लेयर, छठे नंबर पे आप शशांक को खिला रहे हो, आठवें नंबर पे आप आशुतोष को खिला रहे हो, जो आपका मैच विनर है बंदा कहां सर पीटे कि भाई ये कौन है, कोई कोच है नहीं है, कोई मैनेजमेंट है नहीं है, मतलब क्या ही बंदा कहे। बट जो कुछ भी इन्होंने जिस तरह के डिसीजन लिए, बट आके जो रबादा पे गुस्सा है कि रबादा ने डाइव नहीं लगाई ना, उसने सारा मैच का मजा खराब कर दिया। कितने मैचेस को पिछला और ये दोनों मैच ऑलमोस्ट एट द ब्रिंक, और ये मैच तो देखें इतनी समझदारी से खेलते खेलते बुमराह के ओवर में सिर्फ 3 रन रहे, 26-27 रन चाहिए अपने, अगली 18 बॉले हैं, 24-25 रन है, 18 बॉले 24-25 रन है। ओ खुदा के बंदे, तुझे इतना करीब ले आया, ऊपर नीचे दोनों गए, बरार भी ये भी दोनों, आशुतोष मैच खत्म। वो हर्षल पटेल ऑलराउंडर है, देखे इंडिया खेल गया, हालांकि आज उसने बॉलिंग बेहतर की, अच्छे 3 आउट किए, लेकिन मैं हैरान हूं कि यार बल्ले ही नहीं पकड़ सकते ये, 4-4 बॉलों में 1-1 रन बना रहे हैं। वो रबादा आता है पहली बॉल पर छक्का मारता है, अगली बॉल पर सिंगल लेता है और 12 रन रह जाते हैं आखिरी ओवर में, इतना क्लोज मैच। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हार्दिक पांड्या को किसी सूरत में आने ही नहीं देना चाहिए था। फिर यार जो उस बंदे का जिगरा है, दिल है, कमाल है जनाब। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े बॉलर को अगर आप लैप शॉट लगा रहे हैं ना जसप्रीत बुमराह को, तो भाई आप कोई खास आदमी हो, आप में फिर दमखम है, आपने साबित किया है कि आप बड़े बॉलर्स को बड़े बल्लेबाजों के बीच में खड़े होकर तनहा लड़ने वाले अगर आप हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर स्पेशल टैलेंट है। अच्छी परफॉर्मेंस थी मुंबई इंडियंस की, डेफिनेटली बड़ी अच्छी लगी, बड़ा मजा आया परफॉर्मेंस देखकर, बिकॉज अगर उनकी बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों देखी जाए तो दोनों लाइनअप अच्छे लगे हम लोगों को देखकर, दोनों ही बहुत पावरफुल नजर आए हैं हम लोगों को, स्पेशली अगर देखा स्टार्ट में, जैसे कहले गए मुंबई इंडियंस की हम लोग बात करें, हमने कहा था कि स्काई और रोहित शर्मा की जो पार्टनरशिप है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, एंड मे बी आप खेलेंगे कितनी अच्छी हिटिंग देखने को मिलेगी कि ये 250 अबव जाएगा, लेकिन नहीं जा पाया, बट दैट्स ओके। लेकिन इसके बावजूद अगर सूर्य कुमार यादव एंड उसकी रोहित शर्मा की बात करें तो स्काई ने 78 किया, बहुत अच्छी बात की भाई, आप इंजरी से वापस आकर इतनी कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हो, ये एक अलग ही लेवल है आपका। सेकंडली अगर बात की जाए रोहित शर्मा की, उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया फाइनली कि मुझे टीम के लिए खेलना है, मुझे अपने लिए नहीं खेलना है। अगर बॉलिंग लाइन की बात की जाए तो डेफिनेटली सी बात है कोर्ट्जी एंड बुमराह, बुमराह एक बहुत कमाल के लेजेंडरी बॉलर हैं इंडिया के, और जिस तरह से कह लें कि आज उन्होंने प्रेशराइज किया है पंजाब किंग्स को, आकर आके ही पावर प्ले में इतनी विकेट्स लेना कोई आसान बात नहीं है, और वो भी कह लें कि 4-4, 4-4, 5-5 या 6-6 रन खाने के बाद आप विकेट्स ले रहे हो, ये एक सबसे बड़ी बात है, जैसे आप बोल्ड करें वो उससे भी कमाल की बात है। तो मेरे ख्याल में आज मुंबई इंडियंस का डे था, मुंबई इंडियंस ने बहुत ही ज्यादा कह लें कि एक अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है। 70 पे 6 आउट होने के बाद पंजाब ने ऐसा डराया मुंबई को कि उनका त्राह निकल गया, पसीने छूट गए। आशुतोष, आशुतोष ने तो जनाब ऐसा बनाया तोश के बस पूछिए मत, ऐसी शानदार और लाजवाब इनिंग्स, हर किसी को मार मार के बुरा हाल, और मदवाल का तो उसने ऐसा बुरा हाल किया है कि बस क्या ही कहने। लोग कह रहे हैं कि सूर्या कुमार यादव बड़ा स्लो खेला है, अब मेरे घंटो स्लो खेला ना तो इतने रन फिर आप खुद कर लो आके, ठीक है 78 कर लो। हार्दिक पांड्या पे छोड़ना था कि सूर्या कुमार यादव आउट हो जाता और नीचे से हार्दिक पांड्या आगे इतनी बालें खेल के इतने रन करता, बेटा अगर उस पे छोड़ते ना तो उसने आगे ना ये भजवा देना था टीम का पूरा ठीक है। तो जो लोग कह रहे हो ना बकवास बेल रहे हो कि बस स्लो खेलें, बेटा इतने कर लो आगे, फिर कर लो इतने रन आगे, खुद कर लो ना मेरे घंटों कर लो फिर आगे इतने रन्स। उसके बाद तिलक वर्मा ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, 18 बॉलों पे 34 रन्स, अच्छा फिनिश करके गया है, 2 चौके 2 छक्के 188 के स्ट्राइक रेट से। हार्दिक पांड्या 6 बॉलों पे 10 रन्स, 1 छक्का मारा भाईजान ने,
मतलब हार्दिक पांड्या ने फिर आज डिसअपॉइंट किया है सर। हार्दिक, मैं वैसे एक बात करूं, देखो आप शिवम दुबे के साथ कंपेयर करके हार्दिक पांड्या और इसका वर्ल्ड कप का आप फैसला करोगे? शिवम दुबे की बैटिंग में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं ना, मतलब उसकी बैटिंग में तो कोई आप डाउट नहीं आप करोगे कि यार ये बैटिंग नहीं कर रहा बंदा, बैटिंग उससे आई थिंक वो बड़े बहुत बड़े बैट्समैन उससे अच्छी बैटिंग कर रहा है, जबकि वो बॉल भी डाल सकते हैं। उसकी बात करें तो यार क्या कमाल की क्रिकेट खेली है उसने, 15 गेंदों पे 37, फिर 17 गेंदों पे भी उसने इतने बनाए एक मैच में, और आज जो उसने इनिंग्स खेली है यार ये तो गेम चेंजिंग इनिंग्स थी, बहुत कमाल की इनिंग्स। मैं मतलब इस लड़के में मैं बड़ा दमखम देख रहा हूँ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस जो परफॉर्मेंस हमें जो इस वक्त इस आईपीएल में नज़र आ रहे हैं ना, जो नए लोग नज़र आ रहे हैं, ही इज़ वन ऑफ देम एंड ही इज परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, जो उसमें कंसिस्टेंसी है। तो इत्तेफाक है एंड में लाइट चली गई, मैं तो ग्राउंड से आ गया, मैंने कहा ये पागल के बच्चे हैं, ये मैच अब नहीं होता, ये फजूल है यहाँ पे अब रुकना आप। और देखिए सवाल बनता ही कोई नहीं, बाबर आजम से आज सवाल, एक बॉल हुई है दो बॉल हुई है क्या सवाल करूं, सवाल अभी बहुत टाइम आएगा, हफ्ते को भी लगता है बारिश ही है, इतवार को शायद मैच हो जाए। एनीवेज बहुत ही कॉमन किस्म की, बहुत ही जिसे कहते हैं ना आउटडेटेड किस्म की हार्दिक पांड्या ने आज भी कप्तानी की है, मजा नहीं आया। हार्दिक पांड्या, You can see the shock and awe on their face as they witness Ashutosh Sharma's masterclass. Even our neighbors are recognizing the talent, and what do you think about that, folks? Let us know in the comments. That is it for today's video. Thank you for watching and we will see you in the next one. Until then, keep safe and keep the runs coming and the wickets falling.